राधे राधे गुरु जी जी। मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ। सिलीगुड़ी जी। मेरा नाम पूनम है जी। गुरु जी, मैं पहले जॉब करती थी, तो उस जॉब में किसी कारण बस छूट गया था वो जॉब। उस टाइम मेरा बहुत मतलब पैसे बहुत डूब गए मेरे उस टाइम, और घर में भी परिस्थिति थोड़ा ठीक नहीं था, तो मुझे थोड़ा एंजाइटी इशू होने लग गया था स्टार्टिंग में। मेरे घर पे आपके भजन चलते थे, तो आपके बातों को सुन के मेरे मुझे बहुत रिलीफ मिला है गुरु जी। काफ़ी स्टेबिलिटी आया है मेरे मन में, वरना बहुत एंजाइटी इशू बहुत होते थे लास्ट 2 साल से जी। अभी भी अब शांति है, पहले से काफ़ी बेटर है गुरु जी। कथाएं सुनते रहिएगा, अपने आप धीरे धीरे अच्छा होगा। लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं आता गुरु जी। कुछ काम करने के बाद मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। क्या काम करते हैं आप? मैं पहले करती थी, अभी छोड़ दियो। आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करती। कुछ खुद का काम स्टार्ट करो, बिजनेस करो। खाली बैठने से क्या फ़ायदा? शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी हो जाएगी। हो गई? नहीं अभी होगी। हाँ तो अच्छा है, ठीक है। खाली बैठने से अच्छा कुछ करिए और कथाएं सुनते रहिएगा। नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते गुरुजी। आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, आते रहेंगे सारी जिंदगी। यहाँ जितने बैठे हैं, ऐसा कौन है जिसके अंदर गलत विचार ना आते हों? नेगेटिव थॉट किसके अंदर नहीं आते, गलत विचार किसके अंदर नहीं आते? लेकिन देखो, ऐसा है कि हवा आती है ना, तो हवा आती है तो जाती भी है। खिड़की से हवा आएगी और दरवाज़ा खुला है तो हवा पास होती रहेगी। अब यदि हवा में दुर्गंध है तो दुर्गंध हवा भी आएगी, पास हो जाएगी। सुगंधित हवा आएगी तो वो भी पास हो जाएगी। अब आप यदि दरवाज़ा लगा देंगे ना, तो वो हवा आपके कमरे में ठहर जाएगी। फिर आपका कमरा यदि दुर्गंधित हवा है तो दुर्गंध से भर जाएगा, सुगंधित हवा है तो सुगंध से भर जाएगा। उसी तरह थॉट हैं, विचार हैं, आते हैं सबके मन में, उन्हें जाने दो, आए जाने दो। विचार हवा की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छे विचार हैं, उन्हें रोक लेना चाहिए, उन अच्छे विचारों को कैद कर लेना चाहिए, उन अच्छे विचारों पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए। बुरे थॉट आए जाने दो, बुरे विचार आए जाने दो। आपको अच्छे पर कंट्रोल करना है। किसके मन में बुरे विचार नहीं आते बताओ? सबके मन में आते हैं। कौन है ऐसा इस धरती पर जिसके मन में बुरे विचार ना आते? सबके। हाँ, अब बुरे विचार आते सबके मन में, लेकिन बुरे विचार आते हैं तो जाने दो उनको, अच्छे विचारों को रोको। यही तो मनुष्य हो आप। मनुष्य का मतलब क्या? यदि आपका आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप मनुष्य किस बात के? फिर तो आप जानवर हैं। यदि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, आप गाड़ी चलाते हैं, एक्टिवा चला लेते हैं, छोटी फोर व्हीलर चला लेते हैं, टू व्हीलर चला लेते हैं, तो ये बताइए, आप चला तो लेते हैं पर समय पर ब्रेक दबाते हैं कि नहीं? यदि आप ब्रेक ना दबाएं तो कैसे ड्राइवर आप? असफल ड्राइवर हैं। आप कंट्रोल ना कर पाएं, दुर्घटना से ना बचा पाएं अपनी गाड़ी को, तो आप असफल ड्राइवर हैं। सफल ड्राइवर वो है जो हर दुर्घटना से पहले अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर ले। उसी प्रकार शरीर एक गाड़ी है और इस गाड़ी को समय पर कंट्रोल करना हम सबका धर्म होता है, हर बुरे काम से बचाना। रावण के मन में गलत विचार आया कि सीता को चुरा लेते हैं, चुरा लिया। गलत विचार आया तो आया था विचार, जाने देता कोई बात नहीं, नहीं चुराते, चलो आया विचार चला गया, चला जाने देता तो सर्वनाश ना होता। अब विचार आया गलत, उस गलत विचार पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया, सर्वनाश। तो गलत विचार पर कार्य मत करो, अच्छा विचार आए तो कार्य करो, ये आपको करना पड़ेगा। ये सब करने से होता, कोई मंत्र नहीं है कि मैं फूंक दूं तो आपका सब काम ठीक हो जाए। करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सब हमारे ग्रंथ खूब बढ़िया से कह रहे हैं, तो समझो, ठीक है? धन्यवाद गुरु जी, राधे राधे, खुश रहे। श्रीमन नारायण गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद आपका चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए। नारायण जी मुझे बहुत दिए हैं और मैं बस ये सोच के चलता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नारायण जी मेरे साथ है। बिल्कुल, बस और कुछ नहीं चाहिए। कर्म करते रहना हमारा काम है, फल देना भगवान का।
और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने माता पिता और मासी को तीर्थ यात्रा में ले जा रहा हूँ। बिल्कुल, शुभ कार्य कर रहे हैं आप, करते रहिए, ताकि मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे जो भी वेतन मिलती है मुझे वो मतलब अच्छे काम में लगे। खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। गुरु जी, मैंने आज गुरु दीक्षा ली है, तो मुझे आपसे पूछना है कि जो आपने जो मूल मंत्र बताया था वो अभी किसी वक्त में नहीं कर पाऊँ तो फिर क्या करें? तो द्वय मंत्र चलते फिरते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो। और गुरु जी, ये मेरी माँ है, ये शुरू से ही आपकी जब कथा सुनती है जब से आपको बहुत प्यार करने लगी है, और ये एक तरीके से बहुत दुखी थी लेकिन आपकी कथा से इसको जीने का एक सहारा मिला है। ये आपसे पर्सनली मिलना चाहती है और आपके गले लगना चाहती है, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। बात करा दो मैया से, मैया से बात कराओ। जय श्रीमन्नारायण। मैया राधे राधे, कैसी हो मैया? ठीक हूँ महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए आपका। खुश है? अच्छी, खुश हूँ मैं, खुश हूँ। प्रसन्न रहिए, अभी अंदर मिलेंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी आपका कथा दो साल से सुनती हूँ, डांगल टू पर और संस्कार पर, और प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ गुरु जी आपका। भागवत कथा से मेरा बहुत एकदम सब प्रश्न का सवाल जवाब मिल जाता है गुरु जी, हम किसी से नहीं कुछ पूछते हैं गुरु जी। मेरी बेटी को 3 नवंबर के जन्मदिन है, तो हम 11,000 रुपया देना चाहते हैं ग्राम क्षेत्र के लिए। ठीक है, कार्यालय में जाके अंदर नाम लिखा के। हाँ, तो आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, मेरी बेटी को शादी है तो अच्छा से हो जाए गुरु जी। बिल्कुल अच्छी होगी। और एक प्रश्न और है, मेरे माता पिता मर गए, भाई नहीं है, तो पोथी पाठ करवाना है। तो कोई कहते हैं ना कि अथी जिसका सास ससुर रहते हैं वो नहीं करते हैं, तो क्या नहीं करेंगे? वह भागवत जी की पोथी पाठ तो कभी भी किसी के लिए भी करा सकते हैं, वो तो भागवत जी हमेशा सबका कल्याण ही करती हैं, इसलिए भागवत जी तो किसी भी काल किसी भी समय किसी भी स्थान पर कभी भी करा सकते हैं। तो गुरु जी करवाना है तो इसके लिए मान लीजिए हम करवाना चाहेंगे तो कब आएंगे? जब आपका मन हो, यहाँ हर महीने पाठ होता है, जब होता आपकी है, सुविधा। तो 2 दिन पहले आना पड़ेगा? हाँ, जरूरी नहीं है, आप ऑनलाइन नाम गोत्र से संकल्पित होकर कार्य होता है, आप यहाँ उपस्थित रहें तो भी अच्छा है, नहीं रहेंगे तो भी कार्य हो जाएगा। हम आ जाएंगे गुरु जी, आपको हम तो स्वागत है। आपको कृष्ण भगवान का दूसरा रूप मानते हैं गुरु जी, टीवी खोलते हैं तो पहले आपको प्रणाम करते हैं तब टीवी देखते हैं गुरु जी। खुश रहिए गुरु जी। और पूछने दीजिए थोड़ा, मेरा बेटा को बाल बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए गुरु जी, मेरे पति को। सबको आशीर्वाद, आपके बाल बच्चे आपके पति आपका परिवार सब सुखी रहे गुरु जी। अरे यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके शरण में बराबर रहूं और आपका भागवत कथा और प्रश्नोत्तरी सुनूं। खुश रहिए, सुनती रहिए, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें।